हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो हम सबको अपने बालों से प्यार होता है, राइट? अब जब हमारे बाल एक एक करके टूटते हैं, जो दिल को तकलीफ होती है वो मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। अब उसके लिए मैंने क्या किया है वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। आफ्टर प्रेगनेंसी कुछ 8-9 महीने बाद जो मेरे बाल टूटने लगे थे, मेरे बाल घने होते थे, मेरे बालों का टेक्सचर बहुत 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 स्ट्रांग था। जो प्रेगनेंसी के बाद जो मेरे बाल इतने ज़्यादा बिगड़े हैं कि वो बाल ऐसे पतले से हो गए थे। मैं जब ये रिकॉर्ड था कि मैं जब जब अपने बाल ऐसे करती थी टूट के हाथ में आते थे, शैम्पू में निकलते थे, तो मैं अपने बालों से इतना टेंस हो गई थी कि मैं इसको कैसे सही करूँ। तो जब मैंने कुछ अपना रिसर्च किया कि जो भी मैंने शैम्पूज ऑयल या जो भी मैंने डाइट या जो भी मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करके जो भी चीज़ें मैंने ली हैं उनमें कुछ कुछ चीज़ें कॉमन थी कि ये चीज़ें हमारे बालों के लिए अच्छी होती है, हमारे स्ट्रेंथ, हमारा बालों का टेक्सचर, दो मुँह बालों, वाइट हेयर्स, ग्रेट, उस सब के सब उन चीज़ों से इम्प्रूव होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उन सब चीज़ों को यूज़ करके एक ऑयल बनाऊँ अपने बालों के लिए, शायद कुछ रिजल्ट आ जाए। मुझे विद इन 60 डेज के अंदर रिजल्ट आने लगा था। आफ्टर 2-3 वॉश माइन्यूट कहते हैं ना, मन की तसल्ली के लिए रिजल्ट आया था, बट उसके बाद जो आउटकम आया, इवन वो मेरे नोटिस के लिए अकेला नहीं था, वो मेरी फैमिली ने नोटिस किया कि तुम्हारे बालों का टेक्सचर बहुत सुधर गया है, बहुत सही हो गया है, अब मेरे बाल एकदम घने लगते हैं, अब मेरे बाल एकदम स्ट्रांग लगते हैं, अब मेरे बाल एकदम बिल्कुल भी पतले नहीं लगते। और वो चीज़ें मैंने, जो भी मैंने अपना होममेड ऑयल बनाया वो एकदम मैंने घर के प्रोडक्ट्स यूज़ करके बनाया, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो हमें बाहर से मंगाना हो। हमारे बालों के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं उन सबको यूज़ करके मैंने वो ऑयल बनाया। अब वो ऑयल क्या है, सो मैं आपको आज वो ऑयल 100% बताऊंगी और आपकी हेल्प जरूर करूंगी। सो आप मुझे ये ऑयल यूज़ करके बताइएगा, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। सो यदि इस मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिलती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बिना कुछ देर करें वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। भी होममेड हेयर ऑयल बनाने के लिए हमें यूज़ होगा वो ये हैं सारे इंग्रेडिएंट्स। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि मैं कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही हूँ विथ उसकी क्वांटिटी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला है कोकोनट ऑयल 100 ml, फिर आलमंड ऑयल 50 ml, कैस्टर ऑयल 50 ml, मस्टर्ड ऑयल 100 ml, आमला पाउडर 3-4 tablespoons, ये 1-2 प्याज कटी हुई, कलौंजी 2-3 tablespoons, फेनोग्रीक सीड्स 3 tablespoons, एलोवेरा, तुलसी ये ऑप्शनल है। सो ये है सारे इंग्रेडिएंट, और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। सो जब मेरा ये पैन गर्म हो जाए तो मैं उसमें कोकोनट ऑयल डाल दूंगी पूरा 100 ml, फिर मैं मस्टर्ड ऑयल डाल दूंगी, जितने भी ऑयल्स हैं मैं वो सारे वन बाय वन डालती जाऊंगी, फिर कैस्टर ऑयल डाल दूंगी, और जितनी मैंने क्वांटिटी लिखी है मैं उतना ही डाल रही हूँ। ये आलमंड ऑयल मैं इसमें एक्चुअली होल करना भूल गई थी, तो मुझे इसलिए ऐसे डालना पड़ रहा है। अब मैं इसमें देख रहे हैं आप इसमें बबल्स आने लग गए हैं, तो अब मैं इसमें नेक्स्ट डालूंगी अपना एलोवेरा, और एलोवेरा डालने के बाद ये थोड़ा सा चटरपटर करेगा। फिर मैं मेथी दाना डाल दूंगी, कलौंजी, प्याज, और प्याज डालने के बाद थोड़ा सा इसको चला दीजिए। चलाने के बाद बबल्स आने लगेंगे, तो फिर आपको आमला पाउडर डालना है। आमला पाउडर डालने के बाद तुलसी लीव्स, और ये है मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि इवियन कैप्सूल्स। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे इजीली अवेलेबल होगा, 10 कैप्सूल्स हैं इसमें और ₹29 और ₹30 का आता है। सो आपको ये सारे काट के डालने हैं, खोल के इसको ये सारे 10 के 10 इस ऑयल में डालने हैं, और डालने के बाद ऐसे उसको चला देना है अच्छे से। जैसे जैसे ये बॉयल होता जाएगा वैसे वैसे ये ऊपर आता जाएगा, तो आपको गैस हल्की करनी है फिर चलाना है, फिर बॉयल होगा फिर गैस हल्की करनी है फिर चलाना है, तो ऐसे करते करते आपको तब तक करना है जब तक इसकी क्वांटिटी 1/4 कम नहीं हो जाती। और वो पहचानने का तरीका है कि आपके जो प्याज है ये उसका कलर बदल जाएगा,
आप देख रहे हो इसका प्याज का कलर बदल चुका है, थोड़ा सा ये बॉयल हो चुका है जितना हमें क्वांटिटी में चाहिए। अब मैं इसकी गैस बंद कर दूंगी और मैं इसको अब बाहर धूप में रख दूंगी। ये जो भी कलौंजी मेथी दाना है इनको इन्फ्यूज़ होने में टाइम लगता है, सो इसलिए मैं 2 से 3 दिन इसको ढक के बाहर रख दूंगी ताकि ये अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाए ऑयल में। फिर मैं इसको अपने कंटेनर में डाल के कंटेनर में डाल दूंगी और वो भी छान के। सो आफ्टर 3 डेज इसका देखिए बबल्स सब चले गए हैं, टेक्स्चर इसका कुछ ऐसा हो गया है, सारे जो आप देख रहे थे एक वाइट लेयर बबल्स की वो सब चली गई है आफ्टर 2-3 डेज। अब मैं इसको इतने अच्छे से स्टेयर करूँगी, आप चाहो तो इसको छान के डालो अपने ऑयल वाले कंटेनर में, अदरवाइज़ बिना छाने भी डाल सकते हो। जितना ज़्यादा इन्फ्यूज़ होंगे ये मेथी दाना कलौंजी उतना ज़्यादा अच्छा है, पर छान के डालो तो बेटर है क्योंकि ऑयल लगाते वक्त वरना कलौंजी या मेथी दाना हमारे बालों में हाथ में आएंगे। तो ये मेरा होममेड ऑयल तैयार हो गया है, आप मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। ये भी सारे प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक है, मैंने जो भी प्रोडक्ट्स लिए आपको पता है सब होममेड है। बस एक जो कैप्सूल है वो आपको ऑफकोर्स मेडिकल शॉप में मिलेगा, वो मेडिकल शॉप किसी भी मेडिकल शॉप में मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एकदम 30 रुपीज़ का है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सच में मेरे बालों का टेक्स्चर बहुत सुधर चुका है। सो आप ये ऑयल जरूर ट्राई करना और मुझे बताना कमेंट सेक्शन पे कि आपको इससे कितना फायदा हो रहा है। सो अगले वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय।